कैमरा लगा रखा है कॉलेज तो छुप रहे हैं मेरे दीपक भाई है दोस्तों। तो मेरे चैनल का नाम है हितेश कुमार। वेलकम माई YouTube चैनल व्लॉग्स राहुल पे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का। और आज का व्लॉग मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अब होने वाला है मोटो ब्लॉगिंग और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, केवल आपको जानकारी देने के लिए ये अभी घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी सुबह के साथ हो रहे हैं, मुझे निकल जाना था 6 बजे के आसपास, बट जो जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ उनकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ। 8:30 के आसपास पहुँचेंगे दुर्ग रेलवे स्टेशन पे, तो उनसे मिलने के लिए मैं दुर्ग रेलवे स्टेशन जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं उनके साथ कहीं और जाने वाला हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में वो आप देख पाएंगे, लेकिन अभी का जो ब्लॉग है वो मोटो ब्लॉग है। मैं दुर्ग तक का सफ़र करूँगा, उसके बाद कौन से शख्स हैं उनसे भी मिलाऊँगा और उनसे बातें भी करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना सेटअप तैयार है मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए। मैंने कैमरा लगा रखा है हेलमेट पे और ये मेरा बैग है, और चलिए चलते हैं राइड पे। घर से निकल चुके हैं अपन और अभी लगभग 8:05 हो रहे हैं, और जिन शख्स से मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा था या तो राधिका नगर होते हुए निकलूं या फिर सुपेला होते हुए निकलूं, बट अभी मैं गदा जब पहुँचने वाला हूं तो मैं सुपेला होते हुए ही निकलूंगा। और मैंने अभी तक कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, केवल चाय बस पिया हुआ है, और भूख तो लग रही मुझे। देखते हूं कहीं इडली डोसा अगर मिलता है तो नाश्ता कर लूँगा, सामने में है बट ये मेरे को अच्छा नहीं लगता खाने में। जो लड़की बना रही है तो यहाँ से अपन सीधा सीधा चलते हैं सुपेला के लिए। सुपेला से भी अपन 0 हाईवे पकड़ लेंगे अपन, और अभी उतनी गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। जैसे 9 बजेंगे तो माहौल कुछ अलग हो जाएगा और धूप सिर पे चढ़ जाएगा, तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगने वाली है और पता नहीं किस हद तक लगेगी, क्योंकि मई का महीना चल रहा है और मैंने वैसे भी पानी वानी पी के निकला हुआ है। अगर ये अच्छी बात है कि यहाँ अपने सिटी में कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको गन्ना रस जूस वगैरह आपको मिल जाता है, तो आप इजीली पी के आनंद ले सकते हैं। और ये है अपना सुपेला संडे मार्केट। कल संडे था, आज तो सोमवार है, तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोड फिर भी चौड़ीकरण हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना तबाही भीड़ रहता है। और जो शख्स मैं मिलने जा रहा हूँ वो 2 लोग हैं और उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट मैं आपको दिखाऊँगा। और वो दोनों भी यूट्यूबर हैं और वो दोनों भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं मेरी तरह, और उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। और उनके साथ आज दिन भर घूमने का मौका मिला है, तो ऐसा मौका क्यों छोड़ूं मैं। तो मैं हाईवे होते हुए निकलता हूँ इस तरह से, तो ये हाईवे है अपना जी रोड का। और वैसे भी मेरे दोस्त का एक फ़ोन आ रहा है, तो मैं देख लेता हूँ किसका फ़ोन आ रहा है। तो हितेश भाई का फ़ोन आ रहा है तो पिकअप करता हूँ मैं। हितेश भाई का फ़ोन आया था कि उन लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो चलो ठीक है, लेट है ट्रेन बोलते हैं तो, और उसी का पिकअप कर रहा था फ़ोन मैं। अभी हाईवे पे ही हूँ तो चलते हैं दुर्ग रेलवे स्टेशन और भाई लोग का वेट करता हूँ मैं। और हाईवे में जैसे आया हूँ थोड़ी सी गर्मी लग रही मुझे, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में हम लोग बहुत आज दिन भर बाहर रहने वाले हैं, मोटो ब्लॉगिंग करने वाले हैं, व्लॉग बनाने वाले हैं और उन भाइयों के साथ भी बनाने वाला हूँ,
और ये जो व्लॉग रहेगा दोस्तों, ये दुर्ग तक ही रहेगा, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग बताया हुआ है, क्योंकि अगर वो सबको जोड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं और देख सकते हो अपना इस साइड संजय नगर पड़ता है और इस साइड अपना सेक्टर एरिया है और राजनांदगांव दुर्ग सब यही वाली रोड जाती है। और रोड देख सकते बहुत अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने पास कोई सुपर बाइक नहीं है, अपने पास ट्विस्टर होंडा ट्विस्टर है जो कि 100 cc, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं और 90 की स्पीड से मैं ज़्यादा भगा ही नहीं सकता इस बाइक को। और ये है टोल प्लाजा, और जब से नेहरू नगर का ओवरब्रिज बना है तब से ये टोल प्लाजा पूरा ठप हो गया है। अंडरब्रिज बन जाने से और ओवरब्रिज बन जाने से यहाँ का महत्व तो चले गया है। और देख सकते हो कहीं भी कोई भी साइड में घुस जाते हैं, देख सकते हो यहाँ से बाइक आ ही रही है, जबकि जाना था उस साइड से जा सकते हो, वहाँ पे डिवाइडर दिया गया है कि आप वहाँ से निकल सकते हो, बट फिर भी लोग उल्टे तरफ से आते हैं और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। और हेलमेट देख सकते हो बहुत ही कम लोग पहने हुए हैं, अभी तक मैं किसी को देखा नहीं हूँ हेलमेट पहने, केवल मैं ही बस पहना हूँ। और ये बंदा है जो जा रहा है बुलेट में। तो अपन नेहरू नगर आगे हैं, नेहरू नगर चौक से अपन लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट से भी अपन बटालियन होते हुए निकलेंगे। तो हम वीडियो देखते हैं, आपका वीडियो अच्छा रहता है और थोड़ा सा सजेशन भी देते हैं, थोड़ा सा बताते भी हैं कि आप ये इम्प्रूव करिए, वो इम्प्रूव करिए, और आप लोग सजेशन देते रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये ओवरब्रिज है नेहरू नगर का, इसी की वजह से, और देख सकते हो, तो इसी वजह से वहाँ का टोल प्लाजा बंद हो गया है, ये नेहरू नगर ओवरब्रिज बनने की वजह से। और यहाँ पे है हॉस्पिटल, चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल है, और सामने में आपको दिख रहा होगा गुरुद्वारा। और ये टेम्पो में बहुत सारे आम जा रहे हैं। और ये जो सीधा सीधे रोड गई है दोस्तों, ये जाती है राजनांदगांव हाईवे, बहुत मक्खन रोड है, आप जाइएगा तो आपको पता चली जाएगा कि मक्खन रोड है। और ये है अपना दुर्ग रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड या फिर दुर्ग को जोड़ने वाली रोड। यहाँ एक हनुमान मंदिर है जिसको हटा दिया गया है और वहाँ शिफ्ट किया गया है, यहाँ से स्टार्ट ओवरब्रिज। तो और वहाँ से दिखता है रेलवे स्टेशन, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है अपन रेलवे स्टेशन से। इस साइड जो दिख रहा है वो 32 बंगला होते हुए निकलेगा सेक्टर एरिया, और देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन गुजर रही है। आप में से कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दुर्ग सिटी का व्लॉग बनाइए, दुर्ग का बना ही रहे हो, तो मैं बनाने का सोच रहा हूँ और बहुत पहले का सोच रहा था, बट मैं बाहर कहीं चले गया था, जैसे कि आपको पता है मेरा अगर वीडियो देखे होंगे तो टाटा चले गया था, उससे पहले अंबिकापुर चले गया था, और उससे पहले मेरे भाई की शादी थी। तो ऐसे कैसे कहते मतलब कि टाइम 3-4 महीने ऐसे ही निकल गया। तो अब फ्री हूँ तो अब धीरे धीरे बनाऊँगा। आप लोगों का जो देखना है हमें कमेंट करिए और उस चीज़ को बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और ये है साइंस कॉलेज, तो चलिए अपनी बारी आ गई। तो अपने को यहाँ से सीधा चलना है, उसके बाद फिर अपन लेफ्ट मुड़ जाएंगे। आगे अगर जाते हो तो फाटक एनी टाइम बंद रहता है, वो खुलता है एनी टाइम बंद रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे खुलता नहीं है, खुलता है, बट कब खुलेगा वो नहीं पता। और यहाँ पे आर्मी और पुलिस वाले लोगों का राशन पानी मिलता है। और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है रेलवे स्टेशन दुर्ग। तो अपन फाइनली रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो या तो मैं यहीं खड़े हो जाता हूँ या तो अंदर घुस के मैं पूछता हूँ बंदे को कि कहाँ है।
तो ये है दुर्ग रेलवे स्टेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। और मैं उस बंदे को कॉल करता हूँ, कहाँ है वो। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के लिए होटल आया हूँ दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास में, और अपने साथ आया भाई ये तेज भी नाश्ता कर रहा है, अपन भी नाश्ता कर रहे हैं, और दो लोग और बचे हुए अभी ट्रेन उनकी लेट है करके नहीं आ पाए हैं अभी तक, तो देखते हैं, वेट कर रहे हैं। जब से 8:30 से ज़्यादा हो चुका है, अभी इडली खा के ख़त्म हो चुका है मेरा, चाय वाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। फ्रेंड्स, जो शख्स में मिलने के लिए आया हूँ, और उन लोग भी मेरे से मिलने के लिए आए हैं, और आज दिन भर उनसे बातचीत करेंगे और कहीं ब्लॉग बनाने जाएंगे, वो आ चुके हैं। और भाई हितेश भाई फ़ोन पे लगा हुआ है, तो मिलाता हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स, जिसका वेट कर रहे थे आप सब, तो बन आ चुके हैं घनश्याम मिर्जा जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं छुप रहे हैं मेरे से, तो बताइए। बहुत दिन बाद पकड़े हैं मोला, बहुत दिन से बोला है, लेकिन मैं मैसेज करो तो ये नहीं रहा कहीं पे, फिर मैं आओ तो फिर मैं अपन आओ तो पूरा शेड्यूल मोर आया थे, मैं मैसेज किया था, आप बोले थे कि सुपेला आया था करके, तो मैं मिलने के लिए आया था, शेड्यूल में जब भी जाता था तो व्यस्त ही थे, अभी यहाँ आया हूँ तो वो दोस्त मन के साथ मैं नहीं मिल पाऊँ ऐसे। तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे? हाँ, तो आगे कंटिन्यू कर देंगे, अब तो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया, अब तो फिर अब मैं बताऊंगा ब्लॉगिंग क्या होता है। तो भाई घनश्याम मिर्जा से बात हो गई है, और ये हमारे साथ अभी ब्लॉगिंग करेंगे, आज पूरा यही होगा, साथ रहेंगे, सबका चैनल मतलब अभी प्रमोट होगा, बिल्कुल सब भाई लोगों को सपोर्ट करना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो लेके आगे चलना है। मंडीप दीप खोल, मंडीप दीप रखने दिया तो खोल रखने दिया, बहुत अच्छा प्रचलित मंदिर है वहाँ पे, और गुफा है, आगे आप यूट्यूब पे देखे, और मतलब मैं सुना हूँ कि वो मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे मतलब बड़े है, सबसे बड़े हैं, और साल में एक बार होते हैं, एक बार उधर दरवाजा खुलते हैं, ठीक है फिर, तो फिर एक बार है तो एक बार मिल ही लेते हैं, चले चलते हैं, धमाका करना है और इंजॉय करना है, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में, और घनश्याम मिर्जा तो जानते हो, और नहीं जाए तो भाई जाके सब्सक्राइब करो ना गरीब आदमी का चैनल, और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल से आए हैं तो भाई भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, सट ले और घंटा दबा लो, फट ले दो भाई घनश्याम मिर्जा के जितना भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है दबा के ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं मन। तो दीपक भाई है, हेलो भाई, यार बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, यानी मैत्री बाग वाले जो वीडियो था उसके बाद जो है अब मिल रहे हैं, सही बात है, उसके बाद मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा दोबारा मिल के, और बहुत समय समय सोच रहा था कि आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग करो करके, मैं भी सोच रहा था कि भाई इधर आता हूँ तो कभी जाएंगे करके, और अभी आने मंदीप खोल वाला मैं बहुत बार सुना था, तो एक साल में एक बार खुलता है करके, तो था तो फिर भाई को कॉन्टेक्ट किया, तो भाई बुलाए, बोले आ जाओ चलते हैं करके, तो चलिए चलते हैं, और वहाँ का ब्लॉग देखते रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, और इनका भी चैनल है आपको तो पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, अपने साथ में हितेश भाई है, जैसे कि मेरे हर वीडियो में आप देखते हैं, इनके साथ में घूमता रहता हूँ, इनको लेके जाता रहता हूँ, और बहुत अच्छा अच्छा ये कंटेंट वीडियो बनाते हैं, और दुर्ग भिलाई में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए अभी, और इनका 2000 के आसपास सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, बहुत जल्द इनका मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा, चैनल अंडर रिव्यू में गया हुआ है, तो हितेश भाई बताइए। दोस्तों, तो मेरे चैनल का नाम है हितेश कुमार HK, और मैं जो छत्तीसगढ़ के जो लोकल जगह का मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं दीपक भाई है, तो इनको सपोर्ट करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए, दीपक भाई को बताने की जरूरत है नहीं, तो चलते हैं। भाई इन करने के लिए आज जा रहे हैं ब्लॉग बनाने, तो बहुत अच्छा लग रहा है, यानी मैं बहुत बार सोचा था कि मेरे भिलाई साइड आऊं, और हितेश भाई और राहुल भाई तो ब्लॉग बनाते हैं, कि मैं भी साथ में इनके ब्लॉग बनाऊं करके, और इस बार जो है साथ में ब्लॉग बना रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, चलिए।